क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन ने कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है ना। कुछ 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है, मैं समझा दूं आपको क्या कह रहा है। पहले वो कह रहा है इन्हें क्लास टेस्ट, कोई क्लास का टेस्ट है, द सम ऑफ शेफाली मार्क्स, ठीक है, शेफाली के जो नंबर्स हैं मैथमेटिक्स या इंग्लिश इज 30, इंग्लिश और मैथ्स के मिला के टोटल सम्स कितना है उसका 30, ठीक है। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर देन इज मैथमेटिक्स, ठीक है, अगर मैथ्स में उसके पास में 2 नंबर अधिक हैं और 3 नंबर इंग्लिश में कम हैं तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन कितना हो जाता है 210। तो इस रिलेशन को लेते हुए अपन को फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, तो अपन को रिलेशन पता करना है कि उनके सब्जेक्ट में क्या मार्क्स थे। तो सबसे पहले तो ले रहे हैं लेट शेफाली क्या कह रहा था, लेट शेफाली मार्क्स इन ए क्लास टेस्ट, इन ए क्लास टेस्ट किस सब्जेक्ट को ले लें अपन, क्लास टेस्ट इन ए मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में कितने अपन ले लिए x, ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है, चाहे मैथमेटिक्स r लिख लो ना, और इंग्लिश में कितने हो जाएंगे टोटल दोनों का सम्स कितना दे रहा है 30, x आपके इसमें दे चुके तो x कम हो जाएंगे भाई, टोटल 30 है, मान लीजिए मैथ में 15 आ गए या 10 आ गए तो दूसरे में सब्जेक्ट में कितने बचे 20, इसमें से माइनस किए ना दूसरे इंग्लिश में कितने बच जाएंगे 30 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल उसका कितना दे रहा था 30 दे रहा था, क्लियर। अब आगे कंडीशन देखो उसकी क्या दे रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या दे रहा है, क्वेश्चंस के अनुसार वो कह रहा है मैथ्स में 2 नंबर बढ़ा दिए जाएँ, तो मैथ्स में 2 नंबर बढ़ा दो x प्लस 2, और इंग्लिश में कितना कह रहा है, कुछ कम करने कह रहा है इंग्लिश में 3 मार्क्स कम करने कह रहा है, इंग्लिश कितना था 30 माइनस एक्स माइनस 3, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रहा है 210। तो देखिए x प्लस 2 हो ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स इजकल टू 210, मल्टीपल कर दो कितना हो जाएगा 27x प्लस 54 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इजकल टू 210। सॉल्व करेंगे अपन, माइनस का एक्स स्क्वायर 27 और 2 25x 210 माइनस 54, तो 210 में से 54 माइनस कर दो 6 बचे आपके 156, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x इक्वल टू 156। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस साइन का मतलब वन से है ना, मल्टीप्लाई बाई माइनस वन या डिवाइड बाई माइनस वन एक ही चीज़ है, तो माइनस वन से करोगे तो क्या बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो जाएगा ये निगेटिव हो जाएगा इक्वल टू माइनस 156, इसको भी इधर ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156। अब देखो किसी मेथड से कर सकते हो, फैक्टर आसानी से आ जाए तो छोटा पड़ेगा, फैक्टर से करके देख लो, और फैक्टर ना हो तो किससे फार्मूला मेथड्स, तो मेरी ख्याल से 156 12 और 13 25 होते हैं है ना, 12 और 13 को चेक कर लें एक बार कितने हो गए 26, देखो आ गए 156, यानी 25 काहे के लिख रहा है माइनस के, यानी दोनों कैसे होंगे नेगेटिव। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 13 माइनस 12 कॉमन, एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 13 और एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 13 और एक्स इक्वल टू 12,
अच्छा एक्स अपन ने फिक्स कर रखा था, किसको माना था, मैथ्स को, तो 13 होगा तो कितना आ जाएगा, 30 में से माइनस कर दो 17, और 12 होगा तो कितना जाएगा 18। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया। मैथ्स के मार्क्स क्या मान लिए थे अपन ने, शेफाली को कितने मार्क्स मिले मैथ्स में, एक्स, तो इंग्लिश में कितने मिलेंगे, दोनों का टोटल कितना दे रहा था 30 माइनस एक्स। इनकी कंडीशंस कह रहा है यदि मैथ्स में दो बढ़ा दिए जाएँ, इंग्लिश में तीन कम कर दिया है, तो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाता है 210। दो बढ़ा दिया इसमें कम कर दिया है 210। इसको रिलेशन को सॉल्व कर लिया अपन ने, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए फर्स्ट केस ले लें अपन, केस फर्स्ट, एक्स का वैल्यू क्या ले लें 13, यानी मैथ्स में मार्क्स कितने आ गए 13। देन इंग्लिश मार्क्स कितने आएंगे 30 माइनस 13, यानी 17। सेकंड केस देखें, मैथ्स मार्क्स कितने आ जाएंगे 12। देन इंग्लिश मार्क्स कितने आ जाएंगे 30 माइनस 12, यानी 18। तो ये कॉम्बिनेशंस आ गया आपका, एक कॉम्बिनेशंस तो आ गया आपका 12 और 18 का, ठीक है, और एक आ गया आपका 13 और 17 का। ये आपके फाइनल आंसर हो गए, ठीक है, नोट करिए इसको। देखिए क्वेश्चन हो गया था, क्लियर हो गया आप लोगों का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार और देखो मैं एक्सप्लेन कर दूं, वो कह रहा है शेफाली के जो दो सब्जेक्ट हैं उनके टेस्ट के मार्क्स का टोटल कितना दे रहा है 30। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, मैथ्स और इंग्लिश। मान लिया अपन ने मैथ्स में शेफाली मार्क्स इन क्लास टेस्ट, इनने मैथमेटिक्स कितना मान लिया आर एक्स, इंग्लिश में कितना मांग लिया 30 माइनस एक्स, ठीक है। अब वो कंडीशंस कह रहा था, मैंने रफ कर दिया, कंडीशंस क्या दे रहा था, इसमें 2 बढ़ा दिया जाए, है ना, एक्स में क्या कर दिया है 2 बढ़ा दिया है, इसमें क्या कह रहा था 3 कम कर दिया है, 30 माइनस एक्स माइनस 3, इनका दोनों का टोटल कितना कह रहा था 210। तो देखिए एक्स प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशंस बनी थी आपकी, ठीक है ना। तो इस इक्वेशंस को अपन ने सॉल्व कर लिया, क्या आए थे 13 और 12, क्लियर। तो एक्स की वैल्यू क्या मानी थी अपन ने, मैथ्स के मार्क्स, ठीक है। तो दोनों केस पे अलग निकालें, मैथ्स में जब 13 आएंगे तो इंग्लिश में कितने बचेंगे 13 आएंगे, तो 30 में से 30 में से माइनस कर दें 17। सेकंड यदि मैथ्स में 12 आएंगे तो कितने आएंगे 30 माइनस 12 18। तो ये आपका क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से अब तो डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तो इसको आप नोट करिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूँ आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले समझ लो, वो कह रहा है डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड, ठीक है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट जो साइड है उससे जो है डायगोनल्स कितना है 60 मीटर अधिक है। पहली चीज़ रेक्टेंगल दिमाग में आ जाना चाहिए, रेक्टेंगल में प्रत्येक कोण कितने का होता है 90 डिग्री का, यानी कहीं ना कहीं वो पाइथागोरस अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अपन मान लें, अपन लेट शॉर्टर साइड क्या मान लिया अपन ने, समझना इसको ढंग से, अच्छा क्वेश्चन है। लेट द, और इनको एक एक दो जो भी क्वेश्चन हो रहे हैं आप नोट करते चलिए और ढंग से खुद करते चलिए, ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं है अपन को, क्योंकि अब कुछ देर बाद ये भी चैप्टर्स खत्म हो जाए तो लॉकडाउन से फ्री होंगे अपन। तो कितना हो जाएगा, लेट द शॉर्टेस्ट साइड कितनी हो गई आपकी एक्स मीटर्स। दूसरा क्या कह रहा है, डायगोनल्स क्या दे रहा है अपन को, डायगोनल्स कितना दे रहा है 60 मीटर अधिक है, ये डायगोनल्स हो गया। अब क्या कह रहा है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड्स, लॉन्गर साइड्स कितने दे रहा है, लॉन्गर साइड्स शॉर्टर साइड से कितना है 30 मीटर अधिक है। तो अब आप अपने हिसाब से बना लो, जैसा भी करना हो। देखो मैं आपको रफली डायगोनल्स पहले तो अपन रेक्टेंगल से बना दें, तो ये कह रहा है वो आपसे, ठीक है। शॉर्टर साइड्स के मान लिए अपन ने एक्स,
ठीक है, लॉन्गर साइड्स x प्लस 30 और ये हो गया x प्लस 60। एक्चुअल में डायगोनल की पोजीशन ये है, तो ये कौन सा बन गया आपकी 90 डिग्री एंगल से पाइथागोरस थ्योरम से अप्लाई कर सकते हो, ये आपकी रफ के लिए है। देन भाई पाइथागोरस थ्योरम्स है ना, क्या था आपका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है ना। और उसमें लास्ट में एक मिनट देख लें, मांगा क्या था अपन से, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, साइड्स मांगी तीनों है ना। हाइपोटेन्यूस कितना दे रहा है अपन को एक्स प्लस 60, परपेंडिकुलर्स x का स्क्वायर बेस x प्लस 30 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 60 का, 60 इंटू 60 3600 प्लस 2ab 120x, x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x, एक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे आपके, सबको उधर ही ले चलूँ मैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस 3600 माइनस 120x इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर कितने आएंगे माइनस के 60x और इसमें से माइनस कर दो माइनस 2700 2700 बचेंगे है ना, 3600 में से। अब इसके अपन ऐसे फैक्टर कर लें कि 60 आ जाए, 2700 के क्या हो सकते हैं 90 × 30 हो सकते हैं, हो गए, लेकिन 60 कैसे चाहिए माइनस के, तो 90 माइनस के कर दें अपन और 30 प्लस के, यही कर देता हूँ मैं। देखिए क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लें, एक्स माइनस 90 प्लस 30 कॉमन ले लें, एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 90 दोनों में से कॉमन, एक्स प्लस 30 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 90 आ गया और एक्स इक्वल टू माइनस 30। तो देखिए लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, लंबाई हमेशा कैसी होती है धनात्मक होती है, तो क्या हो जाएगा 90 इसको छोड़ देंगे, विच इज इम्पॉसिबल केस है ना, या विच इज नॉट पॉसिबल, ये वाले के लिए कैसे लिख देंगे, या लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्या लिख देंगे लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसको छोड़ देंगे, क्या लेंगे x इक्वल टू 90। यहाँ तक समझ में आ गया, सबसे पहले अपन ने ले ली शॉर्टर साइड्स, क्या ले ली x, डायगोनल्स क्या कह रहा था 60 अधिक है कितना हो जाएगा x प्लस 60, लॉन्गर साइड्स जो कह रहा था जो सबसे छोटी साइड्स है उससे कितनी अधिक है 30 अधिक है, तो रेक्टेंगल फील्ड क्वेश्चन में रेक्टेंगल फील्ड ही कहा था उसने, देखिए डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल फील्ड है ना, तो ये डायगोनल्स हो गया, ये स्मॉलेस्ट साइड हो गई, ये आपकी लॉन्गर साइड्स हो गई, ये अपन ने निकाल लिया। अब देखिए साइड मांग रहा था है ना, तो साइड्स कौन कौन सी हो गई आपकी, शॉर्टर साइड्स कौन सी हो गई, सबसे छोटी x यानी क्या ले लोगे 90 मीटर, ठीक है, डायगोनल्स कितना हो जाएगा आपका 90 प्लस 60 यानी 150 मीटर्स, और लॉन्गर साइड्स कितनी हो जाएगी आपकी 90 प्लस 30 यानी 120 मीटर्स। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा है ना, एक बार देखो इसको जरा फिर मुझे बताओ, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, रेक्टेंगल फील्ड कहा था उसने, छोटी साइड्स ली थी उससे 60 ज़्यादा था आपका डायगोनल्स, ये डायगोनल्स हो गया, उससे 30 ज़्यादा ये था, ठीक है, तो रेक्टेंगल में प्रत्येक एंगल्स क्या होता है 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री होता है तो पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका प्लस इसका, एक्स की वैल्यू निकाल ली 90 सबसे छोटी साइड्स, 60 डायगोनल्स और लॉन्गर साइड्स ये है ना,
मेरे ख्याल समझ में आ गया हो तो आज इतना ही रहने दीजिए और इन क्वेश्चनों को करके देखिए, भागना नहीं है इन क्वेश्चन से, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, इनमें 101% आना ही आना है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।